हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। वहां से विदा होकर यीशु तेरुस और सीदोन प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी का इसका पता ना चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी, वह तो जन्म से सुरुफिनिक की थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अब दूत को निकाल दें। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसा कहने के कारण अब दूध तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अब दूध उसमें से निकल चुका है। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ से यह स्पष्ट है कि संसार और जो कुछ इसमें है सब कुछ ईश्वर के द्वारा सृष्ट है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे जीवन दिया। इस जीवन को पोषित करने के लिए आवश्यक चीजें भी दी, चाहे वह वनस्पति हो या जीव जंतु। अतः ईश्वर ने हर जीव जंतु और वनस्पति को एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया। ईश्वर चाहता है कि हम जो चीजें अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं उन चीजों का सही उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करें, नहीं तो इसका परिणाम जीवनदायक नहीं बल्कि किसी ना किसी रूप में हानिकारक हो सकता है। ईश्वर ने हमारे आदि पुरखे आदम और हेवा को आदन वाटिका में रखा। उन्हें सारे पेड़ों के फल खाने की छूट थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें ज्ञान वृक्ष का फल खाने से मना किया था। शैतान ने उन्हें फुसलाया और उन्होंने ईश्वर की आज्ञा भंग कर उस फल को खाया। इसके बाद क्या हुआ, हम सब उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। अगर वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करते तो वे आज भी आदन वाटिका का सुख भोगते होते। ईश्वर ने कहा था, अगर तुम वह फल खाओगे तो अवश्य मर जाओगे, और ऐसा ही हुआ। जिस दिन उन्होंने उस फल को खाया उसी दिन से आदन वाटिका का सुखमय जीवन समाप्त हो गया, उनके जीवन में मृत्यु आई। आज हम अपने जीवन में कितने सजग हैं, ईश्वर प्रदत्त सृष्टि के प्रयोग किस ढंग से करते हैं, क्या हम ईश्वर प्रदत्त चीजों का प्रयोग सही ढंग से करते हैं। जब जब हम ईश्वर की सृष्टि का गलत ढंग से प्रयोग करते हैं तब तब हम मृत्यु की ओर बढ़ते हैं,
जहाँ विश्वास है वहाँ रिश्ते अपने आप बनते जाते हैं, मगर उस विश्वास को दर्शाने के लिए साहस की जरूरत होती है। आज के सुसमाचार में यह बात स्पष्ट देखने को मिलती है। यीशु एक यहूदी थे, और सुरुफनी की स्त्री एक गैर यहूदी थी। यहूदी लोग गैर यहूदियों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे, किंतु उस स्त्री के दृढ़ विश्वास के कारण यीशु ने उसकी बेटी को चंगा किया, अर्थात उनके बीच विश्वास का एक रिश्ता जुड़ गया। उस स्त्री को अपने विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ा और वो अपने विश्वास में खरा उतरती है जिसका फल यह हुआ कि वह जिस कृपा के लिए यीशु से निवेदन कर रही थी वह पूरी हो गई। उसी तरह हमारे जीवन में भी यदा कदा हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, और जब हम अपने विश्वास में खरा नहीं उतर पाते हैं तो हम उस कृपा को हमारे जीवन में नहीं देख पाते हैं जिसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करते हैं। अतः हमें अपने विश्वास में उस गैर यहूदी स्त्री की तरह दृढ़ बने रहने की जरूरत है, वरना हमारे विश्वास के कमजोर होने से हमारा जो रिश्ता ईश्वर से है वह कमजोर होकर टूट जाता है। हमारे जीवन का प्रवाह ईश्वर पर दृढ़ विश्वास से ही है। यीशु हमें यह संदेश भी देता है कि जो उन पर विश्वास करते हैं उन्हें वे अपनी कृपा से वंचित नहीं करते, चाहे वह ख्रिस्तीय हो अथवा गैर ख्रिस्तीय।